नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय आज आया हूँ जिस खुशी को पूरा देश मना रहा है। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ बने हैं, बहुत खुशी का विषय है। पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ से पढ़े हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली को जिन्होंने सार्थक करा, ऐसे वो लोगों में से एक है हमारे पराग अग्रवाल। तो पूरे परिवार को, पराग अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। उनके लिए स्पेशली वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है। पराग अग्रवाल, अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, वो एक एग्जाम्पल है फोकस स्टडीज का। फिजिक्स ओलंपियाड करा 2000 में, क्लियर करा, टर्की में एग्जामिनेशन हुआ, गोल्ड मेडल जीता फोकस पढ़ाई को लेकर। 77 रैंक आई जेई में, जी हाँ, आईटी जेई एडवांस में। देखिए आप ट्रैक देखिए, बिल्कुल फोकस्ड है एकदम। उन्होंने साइंस को अपना बैकग्राउंड बनाया, फिजिक्स ओलंपियाड जीता, 77 रैंक आई उनकी जेई में। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से उसको करा आईटी बॉम्बे में, 2005 में पास आउट करा। फिर कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पीएचडी करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पीएचडी करी अपनी। 2011 में ज्वाइन करा ट्विटर। आप सोचिए, एक अच्छा इंजीनियर की तरह, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह उन्होंने ज्वाइन करा। फिर वो सीटीओ बने 2017 में और अब सीईओ। तो फोकस्ड है बिल्कुल। और कौन कहता है कि पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कई लोग बार ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो पढ़िए, फोकस्ड रहिए। सोचिए आप उच्च पद पर ट्विटर के सीईओ बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्विटर जिसपे देश दुनिया के हर बड़ा लीडर हैं, जिनकी मशीन लर्निंग और एआई जो इनकी पराग अग्रवाल की एक्सपर्टीज है, उसको सब लोग देख रहे होते हैं। तो आप सोचिए, जो भी बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं वो देखिए कि इस पाथ सिर्फ जेई नहीं है, जेई के आगे भी बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो आपका करियर पाथ हो सकता है। पराग अग्रवाल उसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो फिर से पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और प्यारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो देख लें कि अगर उन्होंने सही ट्रैक चुना है, वो इस ट्रैक से सोचिए कहां तक पहुंच सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब मैं बोलता हूं लड़ते रहिए, तो लड़ते रहने का मतलब कभी कभी भाई बहन से भी लड़ लेना चाहिए, कभी कभी अपने रिश्तेदारों से भी लड़ लेना चाहिए, मम्मी पापा से भी मीठी लड़ाई कर लेनी चाहिए। पर पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर से पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, पराग अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। थैंक यू।